कोतवाली थाना बड़वानी में लव जिहाद का पहला मामला सामने आया है, जहां हिंदू नाम बताकर युवती को सोहेल मंसूरी ने बहला फंसाकर युवती का शोषण कर अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा था। कोतवाली टीआई ने जीरो पर मामला दर्ज कर परसूद थाने पर अग्रिम कार्यवाही के लिए भेजा है। जिहाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए कानून बनाकर लव जिहादियों को 10 साल की सजा के प्रावधान सहित 50,000 जुर्माने का प्रावधान कर धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी मिलने के बाद बड़वानी थाने में लव जिहाद का पहला मामला सामने आया है, जहां परसूद निवासी सोहेल ने अपना नाम सनी रखकर युवती को पहले तो अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर युवती के साथ गलत कार्य को अंजाम दे दिया, फिर युवती को बाद में पता चला कि यह तो धर्म परिवर्तन का भी कह रहा है, और उसके बाद युवती को यह भी मालूम पड़ा कि यह तो शादीशुदा है। युवती के युवक से बात नहीं करने पर युवक ने बड़वानी आकर युवती के साथ मारपीट की, और बाद में युवती को धमकाने पर युवती द्वारा बड़वानी थाने पर सोहेल के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर कोतवाली टीआई राजेश यादव द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 व बलात्कार का अपराध जीरो पर पंजीबद्ध किया गया है। वहीं जीरो की कायमी कर आगामी कार्यवाही हेतु परसूद थाने में मामला भेजा गया है। वहीं बड़वानी पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर परसूद थाने पर भेज दिया है। सामने थाने पे किस लिए आए हैं? ये लव जिहाद का मामला है और हमने रिपोर्ट लिखवानी है। वो जो लड़का है जो मोमेडन था वो हिंदू बन के मेरे साथ बात कर रहा था और आज उसने मेरे को मारा भी था, इसीलिए मैं रिपोर्ट लिखवानी है। आपके साथ गलत कार्य भी किया है? जी हाँ। कब से चल रहा, कब से किस प्रकार से आपसे गलत कार्य कर रहा? 4 साल से कर रहा। सर क्या मामला है थाने पर? एक 22 वर्षीय युवती है जो बड़वानी की रहने वाली है, इसने एक लिखित में जो है रिपोर्ट दर्ज कराई है। जो युवती ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है उसके तथ्यों के आधार पर एक युवक के खिलाफ जो है बलात्कार और धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामला वास्तव में परसूद घटनास्थल मुख्यतः जो है परसूद का है, तो अभी जीरो पे अपराध पंजीबद्ध किया है और इसको अग्रिम कार्रवाई के लिए परसूद पुलिस को भेजा जा रहा है। सर धार्मिक अध्यादेश का पहला मामला बड़वानी थाने का? हाँ, बड़वानी थाने का ये पहला मामला। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।